एक्टर रुकवाएगा तो बढ़िया रोकने वाला था अमित शाह रोक तो जान थूक बोट लगा परचान बोट रहे तो कल परमाऊ चलो कानून वाकू नहीं है क्या यहाँ कानून सिखाते हो तुम बिगर मास्क के तुम सुबह से शाम तक चालान करते हो देश को गृह मंत्री के लिए कोई कानून नहीं है यहाँ एक जो बेचारा कमजोर आदमी उसके लिए कानून बनाते हैं ये एक्टर रुकवाएगा 10 बार बता दी भाई अपने तरीका से काम करो आप यहाँ हमें उड़ जाओ मत ना किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन तेरी तरह नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तरह नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तरह नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तरह नहीं चलेगी नहीं चलेगी अभी चली अंगड़ाई है आगे बहुत लड़ाई है अभी चली अंगड़ाई है आगे बहुत लड़ाई है नौकरन के बाहर अंदर है मालिक बाहर खड़े हो जाए यू नई नई व्यवस्था यहाँ दे एक दरोगा जो सोचेगा आज ही कप्तान बन जाऊंगा मैं ट्रैक्टर रुकवाएगा कहा से अरे सगड़ी बात होगी आधी गाड़ी हमने छोड़ दी ट्रैक्टर छोड़ दी एक ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं वहाँ भी रोक रहा हूँ बताओ वहाँ तो लिया ही पहले नहीं सीखने को तो रोज नया मिले पर ये है ट्रैक्टर जब नौकरन के बाहर अंदर रंगे मालिक बाहर खड़े हो जाए भाई तो कहीं दुनिया में भी ना है मालिक अंदर आने चाहिए नया इंस्पेक्टर आओ या पुराना हम अपनी व्यवस्था खुद बना के चलते हैं इनसे 10 बार कह दिए ये बता दो इन संबंध में क्या भाई तुम ऐसा मत करे करो पिछली बार भी ऐसी करो बेमतलब का यहाँ आधा घंटा ड्रामा हुआ वहाँ पे भी बताओ फिर हमें कुछ नहीं करना हमें संयुक्त मोर्चा की कॉल पे हम आए हमें ज्ञापन देना है ज्ञापन देने के बाद में राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है उसे दे करके हमें यहाँ से जाना इतना सा काम है हमारा और या में कोई ना कोई उड़ जावे आज ही बन जाए कप्तान कौन सा इंस्पेक्टर बोले ना कोई ना है मिलवा दिया है आज कितने प्रमोशन चाहिए आज मिल जाएगा ट्रैक्टर रोकने से कोई ना रोका चलो बाबा के लगा तो बढ़िया रोकने वाला था अमित शाह रोक तो जान थूक बोट लगा परचान बोट रहे तो कल परमाऊ चलो कानून वाकू नहीं है क्या यहाँ कानून सिखाते हो तुम बिगर मास्क के तुम सुबह से शाम तक चालान करते हो देश को गृह मंत्री के लिए कोई कानून नहीं है यहाँ एक जो बेचारा कमजोर आदमी उसके लिए कानून बनाते हैं ये ट्रैक्टर रुकवाएगा 10 बार बता दी भाई अपने तरीका से काम करो आप यहाँ हमें उड़ जाओ मत ना जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान और इन्हें बता दो कौन सा इंस्पेक्टर पहले से बुलवाओ यहाँ कौन है वो लूट करके चलो जाएगा वहां से कोई ना पूछेगा वो कहां से आ जाए वहां की हमें पता ना चली कार्यक्रम आगे बढ़ाओ गलती होगी उससे चलो कार्यक्रम ये है कि हमारा ज्ञापन है राष्ट्रपति जी के नाम है हमने पिछले 13 महीने लगातार आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि आप जो कानूनों के खिलाफ बैठे थे वो कानून वापस ले लिए गए अब आप अपना आंदोलन वापस ले लो उनसे कहा गया भाई ये कानून तो बीच में आए थे अब से पहले हमें MSP चाहिए थी हमारी लड़ाई MSP की है उन्होंने कहा MSP एकदम नहीं दे सकते उसके लिए कमेटी निर्धारित की जाएगी और कमेटी एक बना करके उसको आगे हम किस तरीका से उसे कानून के रूप में लाया जाए ये बात होगी देश की सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया उन्हें ये था बस ये वापस हटें और हम लगें अपने चुनाव में उन्हें तो बस वही हिंदू मुसलमान जिन्नार पाकिस्तान उसी पर लग गया है उन्हें ना देश का किसान दिख रहा ना ये मजदूर दिख रहा ना बेरोजगार दिख रहा इन्हें उन्हें कुछ नहीं दिख रहा उन्हें सिर्फ अपनी सीट दिख रही है आज उसी को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं ज्ञापन दे रहे हैं
और ये ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी के नाम है। या तो सरकार इस पर कोई एक्शन ले, अन्यथा हम फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड चलाया जाएगा। सरकार के खिलाफ हम जाएंगे, लोगों को बताएंगे ये कैसी सरकार है, इसने किस तरीका से हाथरस की बेटी को रात में जला दिया, इसने कैसे उन्नाव की बेटी के परिवार को गाड़ियों से कुचल दिया, इसने किस तरीका से लखीमपुर खीरी में बैठे हुए किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। उस लखीमपुर खीरी के गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी को आज भी मंच शेयर किया जा रहा है। हम सारी चीज बताएंगे, गौतम बुद्ध नगर का ये भी बताएंगे कि यहाँ जमीन हड़प ली गई, 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए था, 2 गुना भी दिया और उनकी जमीन का किसी का पैसा भी नहीं दिया, उन पर जबरदस्ती कब्जे कर लिए। बहुत लंबे लंबे वादे किए जा रहे हैं, हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को यहाँ से भगाने की इनकी प्लान है। ये सारी चीज पर मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं और एडीएम साहब यहाँ पर हैं, एसडीएम साहब हैं, आप हैं। हमारा आपसे अनुरोध ये है कि अगर यहाँ पर डीएम साहब ना होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। एडीएम साहब नहीं होते, हम एसडीएम साहब को भी दे देते। एसडीएम साहब भी ना होते तो हम तहसीलदार को दे देते। तहसीलदार को नहीं, हमने यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में हमने यहाँ पर उनको भी दिया है जो बाहर वो आपके वो रहते हैं स्टेनो ज्ञापन। ऐसी बात नहीं है, हमने ज्ञापन उनको नहीं दिया। लेकिन अगर डीएम साहब यहाँ पर हैं और डीएम साहब हमेशा किसान से मिलते हैं, ज्ञापन तैयार है, तैयार है ना, ज्ञापन आप तैयार है, आप ज्ञापन तैयार है, हम तो ज्ञापन लेकर देकर चले। मैं खुद मिला था डीएम साहब से, एक मीटिंग में थे और वो चल रही है, मैं एडीएम साहब से रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया था, एडीएम साहब बता देंगे, बैठक चल रही है, मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बाकी आपके बैठक चल रही है और ऑब्जर्वर हैं और आपके उसमें किया है ऐसे, मैं आप तो हमारे आंदोलन में 24 घंटे रह ही रहे उसमें क्यों आप अब ये बार बार आप खुलिया मैंने भी एडीएम साहब को मतलब अच्छा आज आए हम यहाँ, रोज रोज तो आते नहीं, रोज रोज तो आपसे भी नहीं करे हम लोग, रोज रोज कब कहते हैं डीएम साहब। अच्छा जब हम आवे जब यही बात है वो तभी बता दो, डीएम साहब और बताऊँ आपको जानकारी के लिए, डीएम साहब जब यहाँ पर मिलते हैं तो आम पब्लिक से मिलते हैं बाहर निकल कर, मैं खुद डीएम साहब से खुद मीटिंग में, वो कभी नहीं किया, आम पब्लिक से नहीं मिलते, दो घंटा लग जाऊंगा, 3 घंटा का तुम्हारा वैसे प्रोग्राम है, अच्छी बात नहीं, मैंने इसी वजह से कही, मैंने वो ये बात कही, अच्छा नहीं लगा, हमें हर अधिकारी को देखो सम्मान रखना, हमारे लिए एडीएम साहब यू कहेंगे हमारा मान सम्मान बिल्कुल किया जाए। सरकार को वोट आ जाएगा उसमें, गृह मंत्री के लिए हमारे लिए थोड़ी कोई काम, तुम्हारे बड़ी कमाल की बात, थूक लगाएगा वोटर प्रचंड ने, कति कोई कहे लगाओ भी नारे, झंडे से वो मारेगा डंडे से। थैंक यू।